वेलकम टू पार्ट वन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। पहले ये समझना है कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। किसी भी फिगर को जो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन स्ट्रेट लाइन से बनी होती है और क्लोज फिगर होती है, यानी ए बी सी डी और ई, ये उसके नाम दिए जाते हैं। इसके वर्टिसेस के, वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स को कहा जाता है वर्टिसेस, यानी एक सिंगल को कहा जाता है वर्टेक्स और बहुत सारे यानी वर्टिसेस। और ये जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी, इन्हें कहा जाता है एजेस। ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, दीज आर द साइड्स और द एजेस। ये साइड्स या एजेस जो है, ये इससे पता लगता है कि कोई चीज क्वाड्रिलेटरल है कि पेंटागन है कि ट्रायंगल। अगर किसी चीज में सिर्फ तीन साइड्स होती है यानी तीन वर्टेक्स भी होते हैं तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल तब होता है जब उसमें चार साइड्स हो, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इसमें चार वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी, और चार ही साइड हैं ए बी बी सी सी डी ए डी, यानी जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स उतनी साइड्स। देखिए यहाँ पर पांच थे और यहाँ पर पांच साइड्स थी, इसी तरह यहाँ पर तीन चार वर्टेक्स हैं और चार साइड्स हैं। एक ट्राइंगल अगर हम लें उसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन ही वर्टेक्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले पॉलीगॉन समझना है। पॉलीगॉन यानी क्लोज फिगर, यानी स्ट्रेट लाइन से बनी भी क्लोज फिगर। और कोई पॉलीगॉन जिसमें सिर्फ चार वर्टेक्स और चार साइडेड होती हैं, उसे कहा जाता है क्वाड्रिलैटरल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वाड्रिलैटरल आज का टॉपिक है हमारा, क्वाड्रिलैटरल। तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल्स कितने तरीके के होते हैं। ये है मेरे मेजर कैटेगरीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये पांच मेजर कैटेगरीज हैं, और भी बहुत होंगे। जिस तरीके से हम ट्रेपेजियम को आइसोसेलस ट्रेपेजियम, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक एक की प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं आज। स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का आपको पता ही होगा, सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है ये भी ए होगा। जैसे ए यानी कोई भी साइड, सपोज 10 सेंटीमीटर है ए, तो चारों साइड्स इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। इसका नाम मैं दे देती हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी की हर साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि इसके एंगल्स, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री है। इंटीरियर एंगल्स स्क्वायर के चारों बराबर होते हैं और सारे इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। और एक और चीज इसमें है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स यानी जो लाइन एक दो वर्टिसेस को जॉइन करती है लेकिन एडजेसेंट वर्टिसेस ना हो। जैसे अगर मेरे पास एक स्क्वायर है और इसमें जो लाइन इन दोनों को जॉइन करे, यानी ए बी छोड़ के सी को जॉइन करे, ए और सी और या बी और डी को जॉइन करे, उसे कहते हैं डायगोनल। एक छोड़ के, यानी ये जो वर्टेक्स था ए, ए के बराबर में बी है, ए के बराबर में डी, उन दोनों को छोड़ के अगर वो किसी और से लाइन ज्वाइन करते हैं उसे हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ पर स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं, ए डी बी डी, ए सी एंड बी डी, और ए सी हमेशा बी डी के बराबर ही होता है स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर की है। इसी तरीके से हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी बहुत कुछ सिमिलर है स्क्वायर से, सिवाय इसके कि इसमें, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें खाली एक फर्क होता है और वो है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरी दो साइड्स इक्वल होती है, यानी AD इज इक्वल टू BC। AD और BC बराबर होंगे और AB और CD बराबर होंगे।
इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है इसमें, बाकी एंगल्स भी सारे 90 होंगे, डायगोनल्स भी बराबर होंगे। और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसी तरह एडी और बीसी पैरेलल हैं, जैसे कि यहाँ भी है एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू सीडी, इसी तरीके से यहाँ एडी और सीडी पैरेलल है, एडी और बीसी पैरेलल है, बाकी सारी सिमिलैरिटीज हैं, एक्सेप्ट कि यहाँ दो साइड्स, सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इनका नाम लेंथ और ब्रेथ डाल दिया जाता है। लेंथ यानी लंबी वाली साइड और ब्रेथ यानी जो छोटी वाली साइड या विड्थ, ब्रेथ को विड्थ भी कहते हैं। ये मोस्टली काम आता है जैसे कभी एरिया कैलकुलेट करना होता है तो मोस्टली कोई भी जगह होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। तो ये हो गया लेंथ और ब्रेथ। इस तरीके से हमने आप देखा कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक बार और रिपीट कर देते हो, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, यहाँ पर दो साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स 90 डिग्री और डायगोनल्स भी इक्वल, यानी यहाँ पर भी एसी और बीडी बराबर ही होंगे। इसी तरह हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम की। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज रोम्बस की। रोम्बस को काइट भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप काइट की तरह होता है, पी क्यू आर एस। मान लीजिए मेरे पास एक रोम्बस है पी क्यू आर एस, इसकी प्रॉपर्टी स्क्वायर की तरह एक होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी पी क्यू क्यू आर एस आर और पी एस, ये सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल एंगल्स 90 नहीं होते, ना एस पी क्यू या पी क्यू आर 90 नहीं होते, सिर्फ साइड्स इक्वल होती है। एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी डायगोनल्स एक तो पहली बार इक्वल नहीं होते, ना कि एस क्यू और पी आर इक्वल होंगे, दे आर नॉट इक्वल, और जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल 90 का बनता है, यानी 90 डिग्री। डायगोनल्स यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पी आर इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम यूज की जाती है कि डायगोनल्स किसके, कौन से वाले क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, वो है रोम्बस। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये इक्वल नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना कि एस क्यू और पी आर बराबर नहीं होते, सिर्फ साइड्स बराबर होती है और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। एस पी आर इज इक्वल टू एस आर क्यू, यानी एस पी क्यू एडी एंगल, एस पी क्यू, एस पी क्यू और एस आर क्यू, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, एक ये वाला एंगल और ये एंगल, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। एंगल पी एस आर इक्वल्स एंगल पी क्यू आर, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और चारों एंगल इकट्ठे बराबर नहीं होते, और सबका सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। ये हम आगे आने वाले एपिसोड में और देखेंगे कि इंटरनल एंगल्स का सम एक क्वाड्रिलैटरल में हमेशा 360 डिग्री ही होता है। इस तरीके से आज हम देखेंगे एक और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एक खास बात है कि इसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल भी होता है और नॉन पैरेलल साइड्स का कभी कभी इक्वल भी होता है, यानी अभी हम देखें मेन तो एस आर हमेशा पी क्यू के पैरेलल ही रहेगा, एस पी और आर क्यू पैरेलल नहीं है, एस पी और आर क्यू पैरेलल नहीं है, ये दोनों साइड्स नहीं है पैरेलल, सिर्फ एस आर और पी क्यू पैरेलल है। खास बात यह है कि किसी किसी ट्रेपेजियम में एस पी और आर क्यू बराबर होते हैं, एस पी और आर क्यू बराबर जब होते हैं तो उसे आइसोसेलस ट्रेपेजियम कहा जाता है। अभी इस केस में आप ये देखिए कि इनमें से कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है, अभी हमने जो ट्रेपेजियम लिया है इसमें कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं है। इसमें एक खास बात है कि ये एंगल का सम जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं 1 और 2, इनका सम 180 होता है,
180 डिग्री होता है 1 और 2 का, इसी तरह 1 और 3 का, इसी तरह 3 और 4 का, इन सबका सम 180 होता है। इन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं या कोइंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और उनका सम 180 क्यों होता है ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। अभी आप ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज। इसमें एक और बात है कि डायगोनल्स जैसे कि PR और SQ, ये इनमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं लगती है क्योंकि ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं और ये ना ही बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसकी कोई डायगोनल्स की खास प्रॉपर्टी नहीं है, ना कि यूज भी नहीं आती, सिवाय इसके जब वो आइसोसेलस ट्रेपेजियम हो, आइसोसेलस ट्रेपेजियम होता है तब डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं तब डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सिर्फ उसी केस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं जब दो साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। नॉन पैरेलल यानी ये और ये साइड, यहाँ पर SP और RQ नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स चार तरीके के, कौन कौन से, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रॉम्बस और ट्रेपेजियम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम जो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्वाड्रिलेटरल है आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है। सो स्टे ट्यून। Ask Own Creative Series.